गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो फॉर द स्टोरी द ब्लाइंड डॉग एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट विद रिमेनिंग थ्री मोर पैराग्राफ्स एंड द समरी ऑफ द स्टोरी। एज यूजुअल आई एम गोइंग टू रिपीट द स्टोरी फॉर यू। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ डॉग हुज मास्टर वॉज अ ब्लाइंड बैगर and their bonding, but somehow the bonding became one-sided when the beggar started ill-treating the dog, and with the help of some friends of beggar, the dog rescued, the dog went away for some time. But to our surprise and to our shock also, in one scene we saw that the dog has come back and it has led the way of the beggar once again on the same pavement that they used to walk daily. The process has restarted and it was a thing of a surprise, of an utter shock for the ribbon sailor. Now let's see what he does. He ran up and said, "Where have you been all these days?" वो दौड़ कर गया और उसने पूछा, तुम कहाँ थे इतने दिन? Where have you been all these days? Know what happened? तुम्हें पता है क्या हुआ? Cried the blind man. उसने जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, This dog ran away. ये dog भाग गया था. I should have died in a day or two. और मैं शायद एक या दो दिन में मर जाता. Confined to my corner. अपने उसी स्थान पर, अपने उसी कोने में पड़ा हुआ शायद मैं मर जाता. No food, not an anna to earn, imprisoned in my corner. और ना मेरे पास खाने के लिए कुछ भोजन था, ना मेरे पास कमाने के लिए एक पैसे का जरिया था, और मैं उसी कोने में एक कैदी की तरह घुटकर वहां मर जाता. I should have perished if it continued for another day. और मैं तब भी मर जाता अगर ये सब एक या दो दिन और चलता. But this thing return, और ये जो चीज है, ये चीज मेरे पास वापस आ गई. When? Last night at midnight, as I slept in bed, he came and licked my face. I felt like murdering him. कल रात ये मेरे पास वापस आ गया. यहां जो उसने बोला है कि एक या दो दिन में मरने का, वो ये था कि इतने दिन वो काट चुका था और अब ज्यादा से ज्यादा मैं एक या दो दिन और जीता. तो वो कह रहा है कि उसने पूछा कब ये वापस आया, तो बैगर का जवाब है लास्ट नाइट एट मिडनाइट एज आई स्लेप्ट इन माय बेड ही केम एंड लिक्ड माय फेस. आधी रात में जब मैं सो रहा था अपने बिस्तर पर, ये आया और इसने मेरा मुंह चाटना शुरू किया. आई फेल्ट लाइक मर्डरिंग हिम. मुझे गुस्से में एक बार ऐसा लगा कि मैं शायद इसका मर्डर ही ना कर दूं. आई गेव हिम अ ब्लो विच ही विल नेवर फॉरगेट अगेन. और मैंने इसे जोर से एक मुक्का मारा. आई गेव हिम अ ब्लो विच ही विल नेवर फॉरगेट अगेन. वो शायद ही उस मार को कभी भूलेगा. सेड द ब्लाइंड मैन. उस अंधे व्यक्ति ने कहा, आई फॉरगेव हिम आफ्टर ऑल अ डॉग. एक कुत्ता समझकर मैंने उसे माफ कर दिया. ही लोफ्ड एज लॉन्ग एज ही कुड पिक अप सम रबिश टू ईट ऑन द रोड बट रियल हंगर हैज ड्रिवन हिम बैक टू मी बट ही विल नॉट लीव मी अगेन. कहता है
वो यहां से वहां खूब भटका, उसने कई जगह धक्के खाए हैं, आवारागर्दी की है और कई जगह पर उसने रबिश पिक किया है। खाने के लिए जो गंदी से गंदी चीजें होती थी वो इसने खाई है, लेकिन जो रियल भूख होती है वो उसे यहां पर खींच लाई। जब इससे भूखा नहीं रहा गया तो ये दौड़ा हुआ मेरे पास आया। सी आई हैव गॉट दिस, देखो मैंने उसे पकड़ लिया है। एंड ही शूक द लीड, इट वॉज अ स्टील चैन दिस टाइम, और उसने इस डॉग को हिलाकर दिखाया और उसे देखने पे मालूम पड़ा कि इस बार डॉग को स्टील की एक चैन में बांध दिया गया था। पहले एक पेपर पहले एक रिबन था, वो कपड़े का रिबन था जिसे काट दिया गया था कैची से, लेकिन इस बार वो दिखा रहा है। हालांकि उसको ये बात पता नहीं थी कि मेरे ही दोस्त ने उस रिबन को काट के इस डॉग को फ्री किया था, लेकिन वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि इस बार मैंने जो कुछ किया है वो बड़ा पक्का इंतजाम है और किसी भी तरह से अब ये डॉग आजाद नहीं हो सकता। वंस अगेन देयर वॉज द डेड डिस्पेयरिंग लुक इन द डॉग्स आईज, और अब दोबारा उस डॉग की आंखों में एक निराशा का भाव था। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। एक तरह से डॉग अब समझ चुका था कि अब उसको कोई नहीं बचाने वाला, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो दैट वॉज अ डिस्पेयरिंग लुक इन द डॉग्स आईज। गो ऑन यू फूल, क्राइड द ब्लाइंड मैन, चलते रहो यू फूल, ब्लाइंड मैन जोर से चिल्लाया। शाउटिंग लाइक एन ऑक्स ड्राइवर, जैसा कि एक बग्गी को, जैसा कि एक बैलगाड़ी को हांका जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो हांकता हुआ उस डॉग को आगे ले गया। ही टक द चैन, उसने चैन को अपने हाथ में लपेट लिया। पोक्ड विद द स्टिक एंड द डॉग मूव्ड अवे ऑन स्लो स्टेप्स, लेकिन इस बार एक बदलाव था, और वो बदलाव क्या था? वो बदलाव था उस डॉग की चाल। पहले जैसे वो मस्त होकर खुश होकर आगे आगे दौड़ता हुआ चला करता था, इस बार वो डॉग बिल्कुल धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहा था। ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है उस डॉग की हताशा को, उस डॉग की निराशा को। दे स्टूड लिसनिंग टू द टैप टैप गोइंग अवे, और वो लोग खड़े हो गए और वही आवाज फिर से टैप 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 दोबारा वहां आने लगी। डेथ अलोन कैन हेल्प दैट डॉग, अब तो सिर्फ मृत्यु ही इस डॉग को बचा सकती है, क्योंकि अब नहीं लगता कि ये ब्लाइंड बैगर इसे कहीं भी छोड़ने वाला है। इतनी आसानी से ये ब्लाइंड बैगर इसे मुक्त नहीं करेगा। क्राइड द रिबन सेलर, उस रिबन बेचने वाले ने जोर से चिल्लाकर कहा। लुकिंग आफ्टर इट विद अ साइ, और उसे कहीं ना कहीं उस डॉग से एक अटैचमेंट हो चुका था और वो उस डॉग को बड़ी ही दुख भरी आह के साथ देख रहा था। एक दुखी आंखों से वो उस डॉग को जाते हुए देख रहा था। वॉट कैन वी डू विद अ क्रीचर हु रिटर्न्स टू हिज डूम विद सच अ फ्री हार्ट, ऐसे डॉग का हम, ऐसे क्रीचर का हम, ऐसे जानवर का हम क्या कर सकते हैं जो खुद अपनी बदकिस्मती की ओर, जो खुद अपने दुर्भाग्य की ओर, डूम का मतलब होता है दुर्भाग्य, इल लक, इल फॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य की ओर इस तरह से बिल्कुल फ्री हार्ट, बिल्कुल उसी दिमाग से, खुलेपन से वापस लौटेगा तो उसका हम भी क्या करेंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर वो डॉग ही यहां रहना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। या तो उस डॉग को यहां वापस आना ही नहीं चाहिए था, और अब अगर वो आ गया है तो जो भी कुछ होगा वो उसकी अपनी किस्मत है, हम इसमें कुछ नहीं
कर सकते। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इस कहानी का टाइटल ब्लाइंड डॉग क्यों दिया गया है। फिजिकली तो वो बेगर ब्लाइंड था, लेकिन प्यार कह लीजिए या लालच कह लीजिए, छोटा सा डॉग का भी कोई ना कोई रहा होगा। उसमें अंधा होकर वो डॉग अपने बुरे दिनों को जीने के लिए दोबारा से इस बैगर के पास आ गया, जबकि सबको पता था कि वो बैगर इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता। इस प्रकार ये स्टोरी जो आर के नारायण की लिखी हुई है, इसमें एक इमोशन बताए गए हैं, फीलिंग्स को यहाँ पर बताया गया है कि आप कितना भी कर लीजिएगा, एक डॉग की वफादारी को आप छुड़वा नहीं सकते। हालांकि बीच का सब कुछ इसमें एक तरह से गोलमोल बताया गया है, कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है कि वो डॉग क्यों वापस आया, कहाँ रहा इतने दिन, भिखारी ने उसे कैसे ढूंढा, वो उसे कहाँ मिला, वो सारे इंसिडेंट इसमें इलोप कर दिए गए हैं, स्किप कर दिए गए हैं। बट वॉट एवर इट इज, अंत में हमें ये देखने को मिला, द डॉग रिटर्न एंड द बोथ एंड बोथ द डॉग एंड द बैगर दे यूनाइटेड, और फिर से उसी काम पर वो डॉग निकल जाता है। तो यहाँ तक जो वर्ड मीनिंग्स वगैरह हैं वो भी आप लोग देखिएगा और उनका एक सेंटेंस फ्रेमिंग जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में हम समरी की तरफ आते हैं, एक समरी मैंने यहाँ पर आपके लिए दी है, तो समरी को आप लोग अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द समरी ऑफ द चैप्टर ब्लाइंड डॉग। ब्लाइंड डॉग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज ऑफ आर के नारायण फ्रॉम हिज कलेक्शन मालगुडी डेज दैट डिस्कसेस द स्टोरी ऑफ अ डॉग एंड हिज लॉयल्टी टूवर्ड्स हिज ब्लाइंड मास्टर हु इज अ बैगर। ये ब्लाइंड डॉग जो है आर के नारायण की एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, जो कि मालगुडी डेज में से ली गई है, और इस स्टोरी के अंदर डॉग और उसके ब्लाइंड मास्टर की बॉन्डिंग को यहाँ पर बताया गया है, उनकी कहानी को यहाँ पर बताया गया है। द स्टोरी बिगेन्स विद द एवरीडे स्ट्रगल्स ऑफ द ब्लाइंड मैन एंड द टाइगर। टाइगर एक्चुअली इसका नाम है, उस डॉग और ब्लाइंड मैन के जो डेली के स्ट्रगल्स थे, जो डेली का रूटीन था, वहां से ये कहानी शुरू होती है। टाइगर हेल्प्स हिम इन सेविंग हिज फूड फ्रॉम अदर्स विच द ब्लाइंड मैन एप्रिशिएट्स। टाइगर जो है उस ब्लाइंड मैन को दूसरों से खाना बचाने में मदद करता है। जब वो लड़का खाना चोरी करने आ रहा था, पैसे चोरी करने आ रहा था, तो डॉग, आपको याद होगा, उसने उस लड़के को चेस किया और उसे वहां से भगा दिया। तो इस प्रकार उस डॉग ने अपना एक दोस्ती का हाथ, ये कह लीजिएगा, इस बैगर के सामने बढ़ाया और धीरे धीरे वो बैगर के साथ घूमने लगा। द ब्लाइंड मैन बिगेन्स टू टर्नाइज हिम इट एंड ट्रीट हिम मियरली एज अ वर्किंग डॉग हु इज देयर ओनली टू सर्व हिम। और इस ब्लाइंड मैन ने उसे बेअदब तरीके से, बिल्कुल एक गैरत, जिसको हम बोलते हैं, बेइज्जती के साथ उसको रखा और उसे सर्व किया। द मैन ग्रेजुअली बिकम्स मोर ग्रीडी एंड मेक्स टाइगर वर्क मोर एंड मोर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी फॉर हिम। और बाद में वो बैगर जो है और लालची होता गया और उस डॉग से वो लगातार काम करवाता चला गया। ही बिगिन्स टू लैंड मनी टू पीपल ऑन इंटरेस्ट। और जो भी भीख उसे मिलती थी, उसका पैसा वो ब्याज पर लोगों को देने लगा। विद इंक्रीजिंग ग्रीड द ब्लाइंड मैन बिकम्स क्रूअल एंड ही नॉट ओनली फेल्स टू एक्नॉलेज द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑफ द पुअर एनिमल बट ऑल्सो बीट सेम ऑफन। धीरे धीरे जब उसकी ग्रीड बढ़ने लगी, जब उसका ये लालच बढ़ने लगा, तो ब्लाइंड मैन और भी ज्यादा क्रूर हो गया, और ना सिर्फ उसने उसके हार्ड वर्क को खराब किया, बल्कि उसने लोगों के सामने उसे पीटना भी शुरू किया। देन द टाइगर फाइनली इज सेट फ्री बाय द परफ्यूमर। और अंत में परफ्यूम बेचने वाले ने उस टाइगर की रस्सी को काट दिया और उसे फ्री कर दिया।
द ब्लाइंड मैन रिपेंट्स हिज एक्शन फॉर मिसट्रीटिंग हिम. थोड़ा थोड़ा वो एक्शन अपना दिखाता है कि मैंने गलत किया, मैंने इसे प्यार नहीं किया, लेकिन वो शायद सिर्फ एक दिखावा था. द रीडर्स आर गिवन ए शॉक व्हेन द टाइगर रिटर्न्स एट द एंड डिस्पाइट ऑल दिस मिसट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन विच माइट बी हिज अफेक्शन टुवर्ड्स हिम और द लॉयल्टी. और अंत में जो हम रीडर्स हैं, हम लोगों को एक शॉक लगता है जब हम देखते हैं कि टाइगर वापस आ चुका है और बिल्कुल उसी लॉयल्टी के साथ, उसी फेथ के साथ, उसी ट्रस्ट के साथ अपने मालिक के साथ वो घूमना शुरू कर देता है. इन दिस वे द स्टोरी कम्स टू एन एंड एंड वी आर लेफ्ट विथ सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड. द डिफरेंस बिटवीन द फेथ ऑफ एनिमल्स ऑन अस एंड आर फेथ एंड आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम. थैंक यू सो मच. एक बार पूरी स्टोरी को दोबारा पढ़िएगा, सारे वीडियोस को देखिएगा. Try to recollect the ideas. Try to write the summary in your own words. Try to learn the meanings and try to make some sentences. Thank you. Goodbye. All the best.